मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज फौजी फाउंडेशन स्कूल बिहाड़ी हियर। अस्सलाम वालेकुम क्लास प्रेप, हाउ आर यू ऑल? सो क्लास प्रेप, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 17 ऑफ मैथ सब्जेक्ट, दैट इज टॉपिक इज डेज ऑफ द वीक। सो आई विल चेक योर प्रीवियस नॉलेज। एज यू नो, हमने अक्सर ये क्वेश्चन सुना है कि आज क्या दिन है, व्हाट इज डे टुडे, कि आज क्या दिन है, आज कौन सा दिन है। सो आई विल शेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दिस लेक्चर, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन दैट व्हाट आर डेज ऑफ वीक, एंड यू विल टेल हाउ मेनी डेज ऑफ वीक आर देयर, एंड यू विल टेल दैट how many days are there in a month and in a year, and you will be able to solve given assessment at the end of the lecture. So do you know how many days are there in a week? So students, there are 7 days in a week. So let's start our chapter number 17, days of the week. So the first day is Monday, M-O-N-D-A-Y, Monday. The second is Tuesday, T-U-E-S-D-A-Y, Tuesday. उसके बाद है Wednesday, W-E-D N E S D A Y, Tuesday. Thursday, T H U R S D A Y, Thursday. उसके बाद है Friday, F R I D A Y, Friday. उसके बाद होता है सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे। उसके बाद लास्ट पे है संडे, एस यू एन डी ए वाई, संडे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर वीक डेज ऑफ वीक। हाउ मेनी डेज ऑफ वीक आर देयर इन अ वीक? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। सो Do you know how many days are there in a month? अब एक week, एक हफ्ते में तो है 7 दिन होते हैं, तो क्या आपको पता है कि एक month में, एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में almost 32-31 days होते हैं, ठीक है? So commonly asked question is how many days are there in a year? अब एक week में 7 days होते हैं, एक मंथ में जो है वो 32-31 डेज होते हैं, तो एक साल में कितने दिन हुए? एक साल में जो है 364-365, 364 या फिर 365 दिन होते हैं, मतलब इतने दिन मिला के फिर एक साल बनता है, उसके बाद जो है न्यू ईयर स्टार्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो नाउ इट्स योर असेसमेंट टाइम। विच डे, that is which day comes after, के इस दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? सबसे पहले है मंडे, तो मंडे के बाद कौन सा दिन होता है? ट्यूजडे। उसके बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और लास्ट पे है संडे। ये है हमारे 7 डेज ऑफ द वीक। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। सो योर होमवर्क इज Write days of week in your notebook. आपने यही days of week जो है अपनी notebook में लिखने हैं, अच्छी सी writing में। So I hope आपको अच्छे से ये lecture समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। Thank you so much. Allah Hafiz.